पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान चौथा T20 मैच आज लाहौर में खेला जाएगा। मैच से कबल बाबर आजम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसकी अपडेट आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को लाजमी दबा दें। चलिए दोस्तों, तो वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 मैचों पर मुश्तमिल T20 सीरीज के चौथे मैच से कबल कप्तान बाबर आजम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हमारी कोशिश है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज जीतें। मुझे सब लड़कों पर यकीन है, यही लड़के अच्छा खेल पेश करेंगे। उन्होंने कहा कि पिछले मैच की गलतियों से सीखेंगे। बाबर आजम का मजीद कहना था कि वर्ल्ड कप से पहले तैयारियां करने के लिए ये सीरीज एक अच्छा मौका है, इसीलिए मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन आजमा रहे हैं। कोशिश है कि वर्ल्ड कप के लिए तैयारियों को हतम शिकिल दें। बाबर आजम का कहना था कि इस सीरीज में मुख्तलिफ तजर्बे किए जा सकते हैं, क्योंकि मकसद वर्ल्ड कप के लिए मजबूत टीम तैयार करना है। दोस्तों, कौमी टीम के कप्तान ने मजीद कहा कि हम हर खिलाड़ी को मौका देने की कोशिश कर रहे हैं ताकि सब खिलाड़ी तैयार रहें। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के लिए अच्छा करना मकसद है और मस्बत ज़हनियत के साथ खेल रहे हैं। खिलाड़ियों की फिटनेस से मुतालिक सवाल के जवाब में बाबर आजम ने कहा कि फिटनेस पर सब खिलाड़ी काम कर रहे हैं। फिटनेस के हवाले से काकुल कैंप का फायदा हुआ। दोस्तों, क्रिकेट के मुतालिक अगर आप इसी तरह हर आने वाली नई अपडेट सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को लाजमी दबा दें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई अपडेट के साथ।